ईरान ने एकाएक आधी रात को इसराइल पर करीब 300 से ज्यादा घातक ड्रोन्स, रॉकेट्स और क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। यह हमला रात को करीब 2 बजे शुरू हुआ था और इस हमले में यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्ला ने ईरान की मदद की थी। इस हमले में कुछ ड्रोन्स और मिसाइलें हिजबुल्ला और हूती की तरफ से भी दागे गए थे। पूरे इसराइल में इन हमलों के दौरान करीब 720 जगहों पर हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा किए गए हमलों में 99% ड्रोन्स, रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराया था। और जब इसराइल पर हमला हुआ था तो उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं इसराइल की ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे इस पूरे अटैक में अमेरिका की भूमिका पर कई सवाल या निशान लग गए हैं। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री ने विदेशी राजनयिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने इसराइल पर हमले से 72 घंटे पहले ही अमेरिका को इस हमले की जानकारी दे दी थी। अमीर अब्दुल्लाहिन का कहना है, हमने 72 घंटे पहले ही व्हाइट हाउस को एक संदेश में बता दिया था कि हमारा हमला सीमित, न्यूनतम और इसराइल को सजा देने के उद्देश्य से रहेगा। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिकी लोगों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करना नहीं चाहता। इसको लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इस हमले में अमेरिकी लोगों या अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है जो इसराइल को बचाने और उसकी मदद में शामिल होंगे। ईरान का ये भी कहना है कि हमने 72 घंटे पहले ही इलाके के अपने पड़ोसी देशों को जवाबी कार्रवाई की योजना के बारे में सूचना दे दी थी। इसको लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहिन ने अपने बयान में कहा कि इलाके में हमने अपने भाइयों और दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों को अपने यहाँ पनाह देने वाले देशों को भी ये बता दिया था कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इजरायली सरकार को सजा देना है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान ने ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायल के हमले के जवाब में किया है। दमिश्क में ईरानी दूतावास की 5 मंजिला बिल्डिंग एक हवाई हमले में मिट्टी में मिल गई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था, जिसमें ईरान के लेबनान में सैन्य इंचार्ज और कुछ फोर्स के सीनियर कमांडर मोहम्मद रेजा जाहेदी समेत ईरान के 7 बड़े सैन्य अधिकारियों की जान चली गई थी। और इस हमले के बाद से ही ईरान बदले की आग में जल रहा था। ईरान बार बार डंके की चोट पर इसराइल से इंतकाम लेने का ऐलान कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने जो दावा किया है कि उन्होंने इसराइल पर हमले से 72 घंटे पहले ही अमेरिका को इत्तला कर दिया था, तो क्या अमेरिका ने इसराइल से ये भेद छिपाए रखा?